प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक की। बैठक में एनडीए और विपक्षी दलों के 16 सांसद शामिल हुए। सांसदों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर जिंदगी बचाना सरकार की प्राथमिकता है। देश में सामाजिक आपातकाल के हालात हैं। राज्य और जिला प्रशासन लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। विशेषज्ञ भी लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। लॉकडाउन तो काफ़ी सफल रहा है, इसमें दो राय नहीं है, तो लेकिन ये गेन जो हुए हैं, ये गेन लॉस में ना बदल जाए, तो इसकी वजह से लॉकडाउन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना मेरे हिसाब से जरूरी होगा। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, सो फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। उस पे जितना बल दिया जा रहा है वो काफी नहीं है, और प्रयास होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी 11 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ तीसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें कोरोना संक्रमण के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होगी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 5,637 हो गई है। देश में कोरोना से 179 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से संक्रमित 477 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 485 मामले सामने आए हैं। देश भर में कुल मरीजों की संख्या 5,274 हो गई है, जबकि 149 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना से संक्रमित 411 मरीज ठीक हुए हैं। देश में अब तक 121,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा 1,135 मामले सामने आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 342 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, इसमें से 24 की मौत हो गई है। गुजरात में 186 मामले आए हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 738 पहुंच गई है, यहां 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य के 15 जिलों के 104 इलाके रात 12 बजे से पूरी तरह से सील हो जाएंगे। ये इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट हैं, जो नोएडा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, शामली, बस्ती, महाराजगंज, सीतापुर, बुलंदशहर और फिरोजाबाद जिले में हैं। सील किए गए इलाकों में सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। जरूरी सामानों की होम डिलीवरी होगी। ये आदेश 14 अप्रैल तक लागू रहेगा। ये वो इलाके हैं जहां कोरोना के 6 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यूपी में मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप में से कुछ लोग मास्क नहीं पहने तो मास्क जरूर पहन लीजिए। 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट के अंतर्गत जो थाने हैं, वहां पर जो है विशेष रूप से हमें जन सहयोग लेकर 100% जो है लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। यूपी में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। विधायक निधि को 1 साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही मंत्रियों, विधायकों के वेतन में भी 30% तक की कटौती की गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना से 343 लोग संक्रमित हैं। आज आगरा में कोरोना से पहली मौत हुई, जिसके बाद राज्य में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है। यूपी में अब तक कोरोना के 26 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। 20 हॉटस्पॉट इलाकों को सील कर दिया गया है। लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना से जुड़े मामले और वेतन को छोड़कर बाकी सभी सरकारी खर्चों पर रोक लगा दी गई है। एक तो पूरी दिल्ली में अब जो भी व्यक्ति बाहर निकलेगा उसको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कुल मिला के दिल्ली में इस वक्त 20 ऐसे इलाके हैं जहाँ हमने सीलिंग की हुई है, इलाके को सील किया हुआ है। वहाँ के उसके अंदर उस गली में या उस कॉलोनी में या उस अपार्टमेंट में लोगों का जाना मना है या उससे बाहर निकलना लोगों का मना है। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आज कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं। इनमें अस्पताल के 2 डॉक्टर और 4 नर्स भी शामिल हैं। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 576 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 21 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने शहर में होर्डिंग लगाकर शबे बारात पर धर्म गुरुओं से सहयोग मांगा है और लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1135 तक पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना के संक्रमण से 72 लोग मारे गए हैं और इलाज के बाद 117 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 45 मौत मुंबई में हुई है। नवी मुंबई में 2 नए केस मिलने के बाद कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 30 हो गई है। धारावी में 10, लोअर परेल, वर्ली और वर्ली कोलीवाड़ा में कोरोना संक्रमण के 78 केस हैं। मुंबई सेंट्रल और भाईकाला में 48, पेडर रोड, बागेश्वर, ग्रांट रोड और तारदेव में 43 केस हैं। विले पार्ले, अंधेरी और जुहू में 40 और मलाड में 32 लोग कोरोना संक्रमित हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना की महंगी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अब कोरोना संक्रमण की जांच करवाने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सरकारी और गैर सरकारी सभी तरह की लैब में कोरोना संक्रमण की जांच मुफ्त की जाए। अभी तक प्राइवेट लैब में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 4500 रुपए चुकाने पड़ते थे। मुफ्त जांच से निजी लैब को होने वाले घाटे की भरपाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट बाद में सुनवाई करेगा। देश भर में तबलीगी जमात के 1785 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। तबलीगी जमात से जुड़े और उनके संपर्क में आने वाले 25,500 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। संक्रमण के मामले सामने आने के बाद हरियाणा के 5 गांवों को सील कर दिया गया है। राज्य सरकारें लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में लगी हुई है। हॉटस्पॉट्स में लॉकडाउन मेजर्स को राज्य सरकारों द्वारा और भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस द्वारा निगरानी और भी इंटेंसिव हो रही है। खासकर इन लोकेलिटीज में कम्युनिटी लीडर्स की मदद से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा रही है। सूत्रों से पता चला है कि निजामुद्दीन मरकज का मुखिया मौलाना साद दिल्ली में ही छिपा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र में तबलीगी जमात से जुड़े 58 कोरोना संदिग्ध अब भी फरार हैं। वहीं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 16 के क्वारंटाइन सेंटर में जमात के लोगों की बदतमीजी सामने आई है। यहां के जमातियों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर बोतलें फेंकी। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि 14 दिनों में जमाती कहां कहां गए ये जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। मूवमेंट ट्रैक करने के लिए पिछले 14 दिन की मूवमेंट कहां थी, ताकि क्योंकि उसमें काफी लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं कि उसमें से जो लोग हैं कि भी उनके कांटेक्ट में जो आएंगे वो हाईली सस्पेक्टेबल है। जम्मू के भटिंडी में एक मस्जिद में रह रहे 22 जमातियों में से 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गुजरात पुलिस ने दिल्ली के मरकज से लौटे 127 जमातियों की पहचान की है। अब तक की जांच में इनमें से 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर अफवाह फैलाई जा रही है। एक पोस्टर को वायरल किया जा रहा है जिसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए 12 अप्रैल को शाम 5 बजे खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अफवाह और खुराफात बताया है। उन्होंने कहा कि मेरे ध्यान में लाया गया कि कुछ लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि 5 मिनट खड़े रहकर मोदी को सम्मानित किया जाए। पहली नजर में तो ये मोदी को विवादों में घसीटने की कोई खुराफात लगती है। हो सकता है कि ये किसी की सदिच्छा हो, तो भी मेरा ये आग्रह है कि यदि सचमुच में आपके मन में इतना प्यार है और मोदी को सम्मानित ही करना है, तो एक गरीब परिवार की जिम्मेदारी कम से कम तब तक उठाइए जब तक कोरोना वायरस का संकट है। मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कोई हो ही नहीं सकता। लोग सोशल मीडिया पर इस पोस्टर के साथ मैसेज भी शेयर कर रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद इस अफवाह से जुड़े संदेशों को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है।